मथुरा जिलाधिकारी कार्यालय पर आज श्रीजी बाबा स्कूल के बीएड करने वाले छात्र छात्राएं पहुंचे। उन्होंने बताया कि जब उनका विद्यालय में प्रवेश हुआ था तो उनसे कहा गया था स्कॉलरशिप से तुम्हारी फीस जमा होगी, लेकिन समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रों के स्कॉलरशिप के फॉर्म को ऐड कर दिया गया है, लेकिन अभी भी तैयारियां नहीं हुई है। इसी चीज को लेकर सभी छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि उनकी समस्या का समाधान जल्द ही किया जाएगा। स्कॉलरशिप के चक्कर में आए हैं यहाँ पे। हमारा डाटा पहले से ही फॉरवर्डिंग था, लेकिन उन लोगों की जो लास्ट डेट थी उससे पहले ही हमारा डाटा फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन उन लोगों ने वेरीफाई नहीं किया है। इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं, अपनी एप्लीकेशन दी है, मैम ने साइन भी किए उस पर और हमारी रिपोर्ट आगे जा रही है। यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट दिए थे उनको अभी तक चेक नहीं किया गया है? कर लिया गया है, यहाँ सब मैडम ने चेक कर लिया है, कमेटी पेंडिंग में दिखा रहा है अभी। अभी तक आपका अभी नहीं, अभी ऊपर से मतलब जो साइड है वो अभी बंद है, लेकिन श्रीराज महाराज कॉलेज किसी का भी मानती है इसमें। अभी उन्होंने ये बोला है समाज कल्याण विभाग की, जिससे कि हमारा डाटा पहले ही लास्ट डेट से पहले ही फॉरवर्ड हो चुका था, लेकिन उन्होंने वेरीफाई नहीं किया है। लेकिन अभी मैडम ने अभी बोला है कि ऊपर से जब साइट खुलेगी वो कर दिया जाएगा। कितने छात्र हैं? कम से कम 50-60 होंगे समथिंग। जितेंद्र सिंह, आज जिलाधिकारी कार्यालय क्या? सर हमने श्रीराज महाराज कॉलेज में स्टूडेंट बैलेंस पे स्कॉलरशिप बेस पे अपना एडमिशन कराया था, और उसमें कॉलेज वालों की शर्त थी स्कॉलरशिप पे ही एडमिशन है आपका, उसमें से वो अपनी फीस काटेंगे। और हमारे सब कॉलेजों की ज़्यादातर फीस आ चुकी है, और हमारे किसी भी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बच्चों की किसी की स्कॉलरशिप नहीं आई है। और कॉलेज वाले अब कई बार उनसे कह भी चुके हैं, हम राजीव भवन जाके उन्होंने मना कर दिया है, यही कारण है। और वो कॉलेज वाले हमसे फीस मांग रहे हैं और फीस देने में हम असमर्थ हैं, इस वजह से वहाँ से वेरीफाई, जो कमेटी वेरीफाई करती है वो वेरीफाई नहीं कर रहे हैं वहाँ से, इस वजह से डीओ ऑफिस आए हैं। वेरीफाई ना करने की वजह क्या निकल गया? उन्होंने बोला था कि अपने कॉलेज वालों से बात करो, हमने कॉलेज वालों से बोला तो उन्होंने जो रिसीव लेटर था, उन्होंने उस दिन जो लास्ट डेट थी उसकी 20 तारीख थी, 20 मार्च, उससे पहले ही उन्होंने वेरीफाई का रिसीव लेटर दे दिया था वहाँ पर, और उन्होंने अभी तक वेरीफाई नहीं किया है। कितने छात्र छात्राएं अभी तक? सर 150 के समथिंग बैठेंगे बच्चे सबको मिला के। आज जिलाधिकारी कार्यालय आए? यस सर।